द्वारका AATS टीम ने 250 CCTV फुटेज के साथ रोड पर लगे ट्रैफिक कैमरों को खंगालने के बाद बंदूक की नोक पर कारजैकिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 35 वर्षीय आकाश उर्फ सुन्नी, 28 वर्षीय राकेश उर्फ टिंकू, 32 वर्षीय रविंदर के रूप में हुई है। यह तीनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। चोरी की गाड़ी खरीदने वाले मेवात नूह निवासी राशिद, आफताब, हसन और यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी से चोरी और लूट के 5 मामले सुलझ गए हैं। इसके पास से एक सफिस्टिकेटेड पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 3 चोरी और लूटी गई स्कूटी के साथ ही लूटी गई एक बुलेट और एक को स्पोर्ट्स कार बरामद हुई है। दिनांक 23 अक्टूबर रात लगभग 10:55 पर थाना सेक्टर 23 द्वारका में एक PCR कॉल आती है कि सेक्टर 21 ताज विवांता होटल के पास 2 लड़के बंदूक की नोक पर एक कार लूटकर भाग गए हैं। PCR कॉल आते ही तुरंत SI बालू राम पुलिस स्टाफ के साथ वारदात स्थल पहुंचे। कारजैकिंग की PCR कॉल निजाम खान पुत्र सलीम अहमद ने की थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वो एक ड्राइवर है और अपने मालिक को विवांता होटल में छोड़ा तो उसके मालिक ने उसे बताया कि होटल में 2-3 घंटे लगेंगे, इसलिए वो कार से सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन पर गया जहां उसने रात का खाना खाया। रात 10:45 जब वो अपने मालिक को लेने के लिए विवांता होटल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, तभी कहीं से 2 लड़के आए और बंदूक की नोक पर उसके सारे पैसे, मोबाइल फोन और कार लूटकर सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन की ओर भाग गए। शिकायतकर्ता के बयान पर FIR संख्या 433/21 _392/397/34 के तहत दिनांक 24 अक्टूबर को थाना द्वारका सेक्टर 23 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। DCP द्वारका शंकर चौधरी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 टीमों का गठन किया गया। पहली टीम ACP ऑपरेशन विजय सिंह की सुपरविजन व इंस्पेक्टर कमलेश कुमार AATS के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल जितेंद्र, हेड कांस्टेबल सोनू, कांस्टेबल राजेश, परविंदर, मनीष, संदीप और इंदरपाल की बनाई गई। दूसरी टीम सेक्टर 23 द्वारका थाना SHO की सुपरविजन व इंस्पेक्टर पवन तोमर के नेतृत्व में SI विवेक मंडोलिया की बनाई गई। जांच टीमों ने लगभग 250 CCTV फुटेज के साथ ट्रैफिक के कैमरों को भी खंगाला। रोड पर लगे ट्रैफिक के कैमरों की मदद से जांच टीम को पता चला कि लूटी गई गाड़ी दिल्ली से नेशनल हाईवे होते हुए सोहना रोड की तरफ गई है। सोहना रोड के बाद गाड़ी दिखाई देनी बंद हो गई थी। सोहना रोड से 3 रास्ते निकल रहे थे जिसमें एक रास्ता राजस्थान और एक मेवात की तरफ जा रहा था। देर रात हुई घटना और डार्क स्पॉट के कारण कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जांच टीम को पता चला कि मेवात में कुछ ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो चोरी की गाड़ियों के चेजेस और इंजन नंबर बदलकर सेकंड हैंड में बेच देते हैं। टीम को इनपुट मिला कि लूटी गई कार मेवात में बेची गई है। टीम के कुछ सदस्यों ने मेवात के लोगों जैसा भेष बदला और मेवात के कारजैकिंग और चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले गैंगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। लोकल मुखबिरों से पता चला कि कारजैकिंग की वारदात को अंजाम दिल्ली निवासी आकाश उर्फ सुन्नी और राकेश उर्फ टिंकू नामक लड़कों ने दिया था। पुलिस टीम को यह भी पता चला कि यह दोनों अपराधी एक और कारजैकिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए सेक्टर 23 द्वारका के इलाके में घूम रहे हैं। जांच टीमों के कई सदस्य सिविल ड्रेस में आम लोगों की तरह गाड़ी के अंदर बैठकर इलाके में घूमने लगे। 30 अक्टूबर शाम लगभग 8:10 राधा स्वामी सत्संग सेक्टर 23 के पास सफेद स्कूटी पर सवार 2 लड़के एक कार के पास आए। बंदूक दिखाकर कार लूटने का प्रयास किया। कार में सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस स्टाफ था। कार के आसपास छुपकर खड़े बाकी पुलिस स्टाफ ने बदमाशों को घेर लिया। एक बदमाश ने पुलिस टीम पर पिस्तौल तानकर भागने की कोशिश की लेकिन उनकी स्कूटी फिसल गई और वो दोनों वहीं गिर गए। एक अपराधी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। गोली कांस्टेबल राजेश को लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस टीम ने अपने बचाव में फायरिंग की और एक गोली एक अपराधी के दाहिने घुटने में लगी। दोनों को दबोच लिया गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अपराधियों की पहचान 35 वर्षीय आकाश उर्फ सुन्नी और 28 वर्षीय राकेश उर्फ टिंकू के रूप में हुई है। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। इंटेरोगेशन में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि सेक्टर 21 ताज विवांता होटल के पास से लूटी गाड़ी इन्होंने मेवात नूह निवासी रशीद नामक व्यक्ति को बेच दी है। पुलिस को यह भी पता चला कि रशीद मेवात नूह में 2-3 लोगों के साथ एक गैंग चलाता है। यह गैंग लूटी गई गाड़ियों के इंजन चेसिस नंबर बदलकर सेकंड हैंड करके बेच देता है। गिरफ्तार आरोपियों के निशानदेही पर टीम ने मेवात नूह से रशीद को दबोच लिया। आरोपी रशीद ने बताया कि गाड़ी उसने आफताब को बेच दी है। आफताब ने हसन को और हसन ने आगे यूसुफ को बेच दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई गाड़ी को बरामद कर लिया।
पुलिस को पूछताछ में पता चला कि रविंदर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का बीसी है। यह पिछले महीने ही जेल से पैरोल पर आया था लेकिन वापस नहीं गया। इसने तिलक नगर में एक मकान किराए लिया और आकाश के साथ मिलकर गैंग बनाया। इन्होंने सबसे पहले द्वारका नाथ थाना इलाके से एक जुपिटर स्कूटर लूटा, उसके बाद आउटर जिला पश्चिम बिहार ईस्ट से एक एक्टिवा स्कूटी लूटी। लूटी गई एक्टिवा से जनकपुरी में फिर और एक वारदात को अंजाम दिया और एक बुलेट लूटी। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।